या बम पटा के छुटा ले तो बेवकूफ है क्या, कहाँ रहेगा? भाई आ रहा हूँ यार 10 मिनट में, वो फ्रांस से एक दोस्त आ रखा है, बस उसी के साथ आ रहा हूँ। ओ भाई दोस्त वोस्त ने क्यों ला रहा है यार, हम पे फालतू के बम पटा के थोड़ी हमारे खत्म हो जाएंगे ना, उसने मत लेगा। भाई क्यों टेंशन ले रहा है, वो खुद के पटाखे ला रहा है, और भाई कति सेक्सी पटाखे हैं उसके पास। अच्छा खुद के पटाखे लेकर आ रहा ना, फिर तो एक काम कर भाई उसने लेकर आ जा, वरना पहले उसके पटाखे छुटा के उसने घर भेज देंगे और उसके बाद अपने पटाखे छुटाएंगे, जल्दी आ जा। गाइस सारे पटाखे पैक कर लो भाई, बकरा आ रहा है, जल्दी उठाओ उठाओ उठाओ। ओ भाई देखो मेरी बात सुनो, सॉरी जान जाए पर बम पटाखे ना जाए, ठीक है ना? सारे कट्टे बट्टे मान खुल भाई, पटाखे वटाखे कहाँ है, निकाल लेना। ओ भाई हम क्यों निकालेंगे अपने पटाखे, तेरा फ्रांस वाला दोस्त आ रहा था साले, वो कहाँ है? अच्छा वो यो आ जा। भाई एक बार जरा साइड में आओगे? ओ भाई यू कैसा गलत दोस्त लेकर आया तू, इसकी तो साड़े की जात भी अलग है, तेरी मम्मी ने धमकाया ना कि तू ये दोस्ती करने से पहले। भाई यार कर दी ना छोटी बात, और वैसे भी ये सारे एक जैसे ना रहे, देखो कितना क्यूट है। क्यूट तो है, और वैसे भी हमने तो बम छुटाने तक मतलब है ना, इसके बम छुटा के भगा देंगे इसने। चल अब सही कह रहा है तुम्हारा मेहमान ही, आ जा। तो भाई फिर कारनामा शुरू करते हैं, हम पे तो बहुत सारे बम है, मुर्गा छाप बम है, सूतली बम है, बिजली बम है, लक्ष्मी बम है, अनार है, और भाई बहुत सारे मजा मांगे वाला बीवी। ये कैसा छोटा मोटा बम फोड़ती, फोड़ना है तो दिल्ली फोड़ो, बम्बई फोड़ो, कलकत्ता फोड़ो। भाई तुम्हारा दोस्त तो बहुत कैडे जोक मारता, और भाई बता रहा था भाई तुम अपने बम का बम भी है तुम्हारे पास, तुम्हारे बम का कट्टा नहीं दिख रहा, पर तुम्हारी गाड़ी में रखे होंगे। नितिन भाई एक काम करो, भाई की गाड़ी की चाबी लेके जाओ और बम लेके आओ, चल। एक हस्ती शेख अपने बम अपने साथ रखती है, बहुत बढ़िया बात है, फिर तो भाई बहुत सारे बम छुटाएंगे। एक काम करेंगे, वो 12 डिब्बा आता ना, 12 वाले ऊपर से होते मेरे घर में, तो भाई लक्ष्मी पूजा मेरी मम्मी बुला रही है, बाय। अरे कहाँ जाती शेख साहब, मेरे घर तो रिलेटिव आए हुए हैं, मैं चलता हूँ। हट गई, मैं ही तो इनका रिलेटिव हूँ, मेरे को इनके घर ही जाना, बाय। हट गई। ओ काके मैं तो तेनू पहले ही क्या थी, जाट का मुकाबला तो है ही नहीं। चक पटाके लाइए स्टाल, आ जा। ओ यार इंदे च तो सिर्फ फुलझड़िया ने। हाँ भाई 10 मिनट में आ रहा हूँ, वो फ्रांस से मेरा दोस्त आ रहा है ना, उसके साथ आ रहा हूँ। चल परमिंदर। वाह बेटे वाह, जो तुम ये बम पटा के छुटा रहे हो बेटे, तो मेरे घर का आके छुटा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? गली में कर रहे अंकल, तुम्हारे घर में नहीं कर रहे। भाई कह तो तू सही रहा है, पर तू कह कैसा रहा है, हैं? रविंदर के तू अपने बाप पे गया, तेरा बाप भी बदतमीज था और तू भी बदतमीज, ये ज्यादा जुबान चलाई ना, तेरी जुबान ने काट के अंदर ले जाऊंगा और कहाँ रख दूंगा, फ्रिज में रख दूंगा, फ्रिज में, समझो। अरे अंकल क्यों ऐसी तैसी कर रहे हो, त्योहार है छुटा लेने दो पटाखे। त्योहार है तो तेने बम पटाखे छुटान दूं, हैं? सरोज का छोटना ना तू, तेरी माँ के सांस की दिक्कत हो रही है, तू साले यहाँ धुआं धुआं करके अपनी माँ ने मार देना आज, त्योहार के नाम पे कुछ भी बकचोदी करोगे, साले बेशरम हर त्योहार पे अपनी ऐसी करवाना आ जाएंगे, तुमसे बम फोड़वा लो, पटाखे छुड़वा लो, माँ चुदवा लो। आज साले तुम बम फोड़ रहे हो, कल तुम दारू पियोगे, परसों तुम लड़की छेड़ोगे, तुम्हारे बस की जिंदगी में कुछ भी करना ना बेट चो, तो तुम ढोल बजाओगे। Like a drink, like a fish. Hey, yo.
आज तुम बम छुटा रहे हो, कल तुम दारू पियोगे। मुझे दारू की महक कैसा ना रही, मुझे कोविड हो गया का। अच्छा मुझे तो नशा हो गया। ओए ओए पटाखे तेरी बत्ती कहाँ, तेरे आंच लगा दूंगा, आजा। उफ, तेने छू दिया वो ही बहुत है, तेने तो मेरे ही आंच लगा दी। तेरे नाम की तो पार्टी करूंगा। परसों तुम लड़की भी छेड़ोगे, तुम्हारे बस की जिंदगी में कुछ भी करना ना है, तुम बैठो तो ढोल बजाओगे ढोल। दिवाली का त्योहार कितना ज्यादा खराब होता है यार, इतना ज्यादा धुआं, इतना ज्यादा पोल्यूशन यार, इतने ज्यादा पेशेंट है यार अस्थमा के, इतने ज्यादा मर रहे हैं, इनको अकल वकल नहीं है कि दिवाली थोड़ी ग्रीन मनानी क्यों है। पर दिवाली यार, तेरा भाई जिस दिन पीएम बन जाएगा ना, दिवाली पे लिटरली बैल लगा दूंगा, ताला ठोक दूंगा कि दिवाली जो मनाता नजर आएगा ना, साढ़े गोली मार दूंगा भाई। पोल्यूशन होता है यार, एनवायरमेंट खराब होता है यार, बहुत बुरा हाल है यार इंडिया का। भाई तू जलाना यार, भाई मेरे में गुदा नहीं है। यार तुम तो बड़े फट्टू किस्म के, तुम्हारे बस की बम छुटाना ना हो रहा है। यो देखो अब तुम अपने भाई ने देखो, वो मजाक नहीं है भाई, फट जाएगा। भाई गलत आदमी है। अबे 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 भाई तू तो गलत बंदा बन चुका है यार, ये तो बिल्कुल फटाका। पर तेरे को डर नहीं लगता? अबे डर कोई लगने की चीज है। गैस हो गई गैस। बोले 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 बोले। पहाड़ी ड्यू, न प्रॉफिट न लॉस, सिर्फ जीत, समझो चेले। अरे यो तो साढ़े कुछ भी ना है, तेरा भाई ने डरे किसी बम पटाके थे। एक बार तो भाई बकायदा अलकायदा तक फोन आ गया था कि एल्विस भाई हमारे सुसाइड बॉम्बर बनोगे का, तुम्हें डर वर तो लगता नहीं? तेरा भाई ने मना कर दी। पूछ क्यों? क्यों भाई? ट्यूशन था ना 4 बजे का भाई, ट्यूशन पावे पूजा। अब यार अलकायदा पलकायदा के चक्कर में पूजा थोड़ी छोड़ी जाएगी यार। भाई यार तुम तो बहुत ही पहुंची चीज हो, और क्या क्या कर सकते हो तुम? तेरी बंदी बजा सकूंगा। अब भाई ये पूछना क्या नहीं कर सकता, सब चीज कर सकूं। ये तो सैंपल था, तुम यो देखना। अबे भाई रोक मत कर, अबे मत कर भाई मत कर। भाई यार तू मेरी बहन से ब्याह कर ले यार, मेरे को तेरे अंदर जीजा दिख गया मां कसम। थैंक यू फॉर द ऑफर, पर अपनी बहन को बोलियो कि अपने आस्ते सिम जाए, ठीक है ना? पूजा से ऊपर कुछ नहीं। और भाई 36 आएगी 36 जाएगी, मेरी वाली मैं ही लाऊंगा और पूजा ना लाऊंगा, सुन ली पूजा देने। और भाई अब तो तुम ये देखना ना, ये है मेन धमाका। क्या कर रहा है? अबे भाई ये ब्लास्ट हो जाएगा यार। अबे भाई अलकायदा से फोन आया मेरे पास, कोई ये नजफगढ़ से थोड़ी आया, ये प्रैक्टिस है मेरी। कैसे लगा भाई का धमाल, उड़ गए ना होश। ओ भाई यार तू तो बड़ी चीज हो गया भाई। लक्ष्मी पूजा? अबे लक्ष्मी पूजा तो रात को होएगी ना, और भाई तू भी आ जाए, घने दिन हो गए तेने घर पे आए यार। पर तुम नू तो बताओ मेरा धमाल कैसा लगा? अरे भाई बताई तो अभी, एक नंबर एक नंबर बाबा। अबे सोन पापड़ी थोड़ी दूंगा इस बार, तो चॉकलेट का डिब्बा दूंगा पूजा से। ये पागल हो गया है, मैं पागल हो गया भाई? भाई बहरा हो गया है। अक्षय कुमार नहीं यार, नील नितिन मुकेश बहुत बढ़िया एक्टर है। तो ये तो सच में बहरा हो गया भाई, चल इसके मजे ले। और तेरी पूजा ने हम सेट कर ले में क्या? साढ़े सब सुनाई दे रही है, 2-3 सेकंड तक झन्नाटा के आगे मेरी पूजा सेट करने को हो रहे हो तुम। हम चौदह पूरी दिल्ली, हम पे भोंका कुत्ता बिल्ली। खिलाड़ियों में खिलाड़ी, एल्विस यादव फ्रॉम बुराड़ी। ब्रो यार दिवाली में जानवरों का कितना ज्यादा बुरा हाल हो जाता है यार, मतलब इस पटाखों के शोर से मैंने तो बहुत सारे जानवर देखे कि बहरे हो गए। पता नहीं इंसानों को कब समझ आएगी कि दिवाली पे यार जानवरों पे क्रुएलिटी ना दिखाए, हैं सही कह रहा हूँ ना? यार मटन मंगाया अब तक आया क्यों नहीं यार? आज साढ़े पूरी दुकान खरीद लेंगे, है ना भैया? ये वाला बम कितने का दिया? 20 रुपए। अरे खुले में चाहिए बम, अकेला बम कितने का है? कंजर 3 रुपए। 3 रुपए? ओ भाई यार तुमने तो बहुत लूट मचा रखी, 3 रुपए का बम है, कम से कम इसे फ्री का तो दो। फ्री मतलब कि यार कम से कम 1.5 पैसे तो कम करो। ऑब्वियसली यार बनता है। ओ
ये क्या बात है? मैं यार इस भैया की गांड में फुलझड़ी दे दूंगा। भैया थोड़े से पैसे तो कम करो, 35 पैसे एटलीस्ट। ब्रो ये पूरे बम्बो की दुकान कितने की थी? 1,10,000 रुपए। 1,10,000? बस एक काम करो, ये ना सारे बम्बो को पैक करवा के ना मेरी गाड़ी में धर दो, बैंक ट्रांसफर मार लेना और ये फोन भी धर लेना, आईफोन 12 है लाल रंग का। ओ भाई ये तो अपना गुड्डू है ना भाई, अमीर हो गया तो। क्या हाल है भाई गुड्डू के? गौतम सिंघानिया प्रजापति। छू मत, पर हाँ आखिरी में ना कुमार भी लगा लिए। भाई इसके कैसे नसीब से बदल गए यार, पिछले साल तक तो हमारे पटाखे चुरा चुरा के फोड़े करता, अब इतना पैसा कहाँ था आगा? इसकी प्राइवेट जॉब तो नहीं लग गई है? ना इसकी ना प्राइवेट जॉब लगी है और ना इसका कोई बिजनेस है। बेटा इसके साथ तो गलत ही सीन हो गया, तुझे पता नहीं क्या? ऐसा का सीन होगा, इसने कोई ऐप वैप तो डाउनलोड नहीं कर लिया एलवी यादव की वीडियो देख के? प्रमोशन नहीं है, तुझे पता नहीं क्या भाई, दिवाली वाली रात को अगर तुम्हारे घर में बिल्ली घुस जाए तो चांदी चांदी सोना ही सोना भाई, बहुत पैसा। और इसके घर में तो एक साथ 3-3 बिल्लियां घुसी थी, तो सोच बेटे जब अगले दिन उठा ना, जो 3 मंजिल की कोठी, घर के बाहर गाड़ियां ही गाड़ियां, घर के अंदर जाए तो रशियंस, भाई ऐसा सीन भी होता है? भाई मेरा भी करवा दे यार कुछ जुगाड़। हाँ तो भाई जैसे उसने करा वैसे ही तू कर लेना, आज रात को लक्ष्मी पूजा के बाद घर के बाहर बैठ जियो दूध लेकर और इंतजार करियो बिल्ली का, लेकिन फीमेल ही आनी चाहिए, अगर मेल बिलाऊ आ गया ना तो। और भाई घर में बिलाऊ बड़का तो भाई फिर तो फीमेल ही बढ़ो, आज रात ने देखे तेरे भाई के घर में बिल्ली बढ़ेगी और पैसा ही पैसा कर देंगे भाई यार। ओ मम्मी दूध के पैकेट खरीद ले बहुत सारे, आज तो सोने का हार दुआऊंगा। आज तो बिल्ली से दूध के बदले 3,31,00,000 रुपए मांग लूंगा, 300 गज का प्लाट तो आएगा सेक्टर में। बिल्ली देवी मुझे पैसा दे दे, बहुत सारा पैसा। अरे कहाँ रहेगी पूसी कैट, सारे दिन तो बरामदे मारती रहेगी साड़ी, आज एक भी नाक दे रही यार। विराट भाई तुमने इसके चक्कर में आरसीबी की मां चुदवा दी यार कुछ। कितनी बिल्ली बड़ी कल घर में यार, पता ना तेने अच्छे दरवाजे खुलवाए, पता ना साला कौन सा जानवर बढ़गा भाई, सारा दूध पीगा, सारे पैसे ठा के लेगा और भाई माता रानी का आगे धरे 21 रुपए भी ठा के लेगा यार। तेरे घर में विराट और अनुष्का तो नहीं आए थे ना? भाई विराट और अनुष्का तो आए थे यार। अबे वही तो नहीं आने चाहिए थे यार, तेरी तो किस्मत ही बेकार है भाई। सॉरी यार सॉरी। ओ फक भाई मैं हो रहा हूँ लेट, तो तू रो ठीक है, रो जी भर के रो, मैं नहीं करता। ओके हैं, ओके बाय। यो घड़ी तो मैं देखी देखी सी लग रही थी, वो साले तो मेरी घड़ी है। हाँ माँ आ भी 10 मिनट में, हाँ 10 मिनट में निकल रहा हूँ और वो सेक्टर 14 से उठा लूंगा ठीक है। ओके
भाई तू पटाखे छुटा, मैं लक्ष्मी पूजा के बाद आता हूँ, ठीक है? अबे कहाँ जा रहा है यार, अभी तो पटाखे फोड़ने शुरू करे हैं भाई। भाई बताई तो लक्ष्मी पूजा है यार, जो हमारी पुरानी लक्ष्मी जी की मूर्ति थी ना वो नीचे से टूट गई, मैं नई लेके आऊंगा और फिर पूजा के बाद आता हूँ। अबे अल्वेश यार, तू अब भी इन चीजों में बिलीव करता है क्या, ये मूर्ति वूर्ति को पूजना? भाई ये भगवान वगैरह कुछ नहीं होते, ये जमाना आगे बढ़ता जा रहा है और तुम जैसे लोग उसको पीछे खींच रहे हो। मम्मी को मना कर दे कि मैं नहीं आ रहा, चुपचाप पटाखे फुटा। ओ भाई अगर तेरे को लगता है कि भगवान की पूजा करने से हमारा देश पीछे जा रहा ना, तो तू भाई बहुत बड़ा चूतिया, अपने काम से काम रख, ठीक है? मैं जा रहा हूँ। ओ एक सेकंड एक सेकंड, क्या चूतिया क्या, समझा के जा, समझा के जा। भाई देख YouTube वीडियो है इसलिए तेरे को समझा रहा हूँ, ना तो भाई इसके जैसे कि तो मैं गांड तोड़ता। भाई सबके अपने अपने बिलीव्स होते हैं, सबकी अपनी अपनी होप्स होती हैं। मानने वाले तो भाई पत्थरों में भी भगवान को ढूंढ लेते हैं, और जिसको नहीं मानना होता उसके सामने तो बेशक असली का भगवान निकल के आ जाओ, तो भी कहेंगे यार ये तो है, हम थोड़ी मानेंगे इस चीज़ में। मैं तेरे को फोर्स नहीं कर रहा इस चीज़ में कि भाई भगवान है, पर मेरे हिसाब से साइंस के बियॉन्ड भी एक चीज़ होती है, मैं तो भाई उसको भगवान कहता हूँ, तेरा मेरे को पता नहीं। तो छुटा तो पटाखे, मैं लक्ष्मी पूजा के बाद आता हूँ, ठीक है? ओके गाइज, होप करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। तो भाई वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर देना, अपना कमेंट करके जरूर बताना मेरे को, कमेंट करके जेन्युइन कमेंट करना कि भाई फेवरेट पार्ट कौन सा लगा। बस ऐसे कर देना कि भाई हबीबी वाला, ये वाला, वो वाला कर देना, पर कमेंट जरूर। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और क्या कहते हैं, और भाई भाई की तरफ से हैप्पी दिवाली आपको और आपकी फैमिली को।